एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम सीसीटीवी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ योर क्लोज सर्किट टेलीविजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ द रीसेंट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में जो है ये मीडिया कम्युनिकेशन की एक नई डेवलपमेंट है, नई इनोवेशन है। इस सिस्टम के मदद से कोई भी प्री रिकॉर्डेड लाइव प्रोग्राम्स को जो है हम एक क्लोज टेलीविजन सर्किट के ऊपर ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो क्लोज सर्किट टेलीविजन होता है वो लिंक होता है स्टूडियो और क्लासरूम एक्सेसरीज के बीच में। यूजुअली ये जो कनेक्शन होता है, जो ये लिंक होता है, ये केबल्स की मदद से किया जाता है, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में इंस्टॉल की जा सकती हैं, जिसके थ्रू जो है एक स्टूडियो और क्लासरूम एक्सेसरीज के बीच में एक लिंक बनाया जा सकता है। और इसकी मदद से हम कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो इंस्टीट्यूशन में ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये जो सिस्टम होता है इसके थ्रू हम बहुत सारी क्लासरूम्स को, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लिंक कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, उसको अलाउ करेगा कि वो किसी भी को भी इंफॉर्मेशन है उसको लार्ज स्केल पे जो है वो ट्रांसमिट किया जा सके किसी भी क्लासरूम से। अगर मैं किसी एक क्लासरूम में को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं अगर उसका सीसीटीवी कैमराज का एक्सेस है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मैं बताऊँगी, आपने तो सिर्फ एक ही टाइप का ही मैक्सिमम देखा होगा कि एक ही तरह का, अलग अलग टाइप के सीसीटीवी कैमरा जो भी सुटेबल कैमरा जो है उसकी मदद से मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मैं एक क्लास में पढ़ा रही हूँ तो उसको या तो प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं सेव करके रख सकती हूँ और बाद में यूज़ कर सकती हूँ, या मैं उसका लाइव जो है उसको क्या कर सकती हूँ, हर जगह पे सर्कुलेट कर सकती हूँ। जैसे मैं एक क्लास में पढ़ा रही हूँ तो वो आप जो है वो उसको मल्टीपल क्लासरूम्स में भी आप देख सकते हो। अगर मल्टीपल ऐसे नहीं कि कहीं पे भी वाई इंटरनेट की तरह नहीं देख सकते आप उसको, उसके लिए आपको एक इंस्टॉल्ड केबल्स होनी चाहिए आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। जितना भी एरिया जो है वो केबल्स इनक्लोज कर रही है ना, उसी एरिया में जो है वो आप उसको क्या कर सकते हो, टेलीकास्ट कर सकते हो, ठीक है। द सिग्नल इज सेंड टू द रिसीवर यूजिंग कोएक्सियल केबल इन सीसीटीवी प्रोग्राम एंड द रेंज ऑफ डिपेंडेंस ऑन अ लेंथ ऑफ द केबल। मतलब कि सीसीटीवी कैमरा में आपको केबल इंस्टॉलमेंट जो है वो मस्ट है, उसके बिना जो है सीसीटीवी जो है वो वर्क नहीं करेंगे। चाहे आप वाईफाई वाला ही क्यों ना सीसीटीवी यूज़ कर रहे हो, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो आपको केबल इंस्टॉलमेंट्स करनी ही पड़ती हैं। तो उस केबल इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर ही जो है उस केबल की कितनी लेंथ है, क्या रेंज है, उसके हिसाब से जो है वो सिग्नल जो है वो रिसीवर तक हम भेज सकते हैं। जो आपके सीसीटीवीज होते हैं ना, वो बड़े ज़्यादा इफेक्टिवली जो है हम इनको जो है वो मल्टीपल पर्पजेज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं कि सीसीटीवी एजुकेशन में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक तो ये जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर बड़े ज़्यादा यूजफुल होते हैं। कोई भी टीचर है, अगर वो कोई भी लेसन डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रही है बच्चे को, तो वो क्या कर सकती है, अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकती है, फिर उस रिकॉर्डेड लेक्चर को वो रिवीजन के टाइम पे या कोई भी डिस्कशन के टाइम पे जो है वो क्लास में दोबारा प्ले किया जा सकता है। इससे क्या होगा, टीचर की भी एनर्जी बचेगी, उसको दोबारा वो सेम चीज़ नहीं पढ़ानी पड़ेगी, और बच्चों को भी हो जाएगा कि वो मल्टीपल टाइम जो है अगर उनको एक बार समझ नहीं आ रहा वो दोबारा देख सकते हैं, दोबारा नहीं आ रहा फिर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए जो है वो यूज़फुल होती है, क्योंकि इस सिस्टम की मदद से जो भी टीचर ने बच्चे को पढ़ाया है उसको वो रिकॉर्ड कर सकती है कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स की फॉर्म में, और बाद में फिर वो उसको डिस्प्ले कर सकती है बच्चों को दोबारा से। इस सिस्टम का यूज़ करके टीचर एक से ज़्यादा सेक्शन में भी पढ़ा सकती है। जैसे मैंने बताया, अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल में ए सेक्शन में पढ़ा रही हूँ और मेरे पास इतनी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है कि मैं वहाँ पे सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सकूँ बैठा के, तो वहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, सीसीटीवी कैमरा का यूज़ करके एक क्लास में पढ़ाऊंगी, सेम चीज़ में बाकी क्लासेस में भी वो डिस्प्ले होती रहेंगी, तो बाकी बच्चे भी जो है एट द सेम टाइम पढ़ सकते हैं उससे। तो टीचर जो है वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा सेक्शंस को पढ़ा सकती है। अगर मुझे किसी एमिनेंट स्पीकर का स्कूल में कोई लेक्चर शो करना है तो मैं उसके लिए भी जो है वो सीसीटीवी का यूज़ कर सकती हूँ। सीसीटीवी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि इनके लिए ना एक प्रॉपर आपको एक पूरा सिस्टम सेट करना पड़ता है, केबल्स लगानी पड़ती हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होनी चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, ट्रांसमिटिंग के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है सीसीटीवीज़ का, और हर इंस्टीट्यूशन जो होता है इतना कैपेबल नहीं भी होता है कि वो क्या करे सीसीटीवी को अपने इंस्टीट्यूशन में यूज़ कर सके। थोड़े से ये कॉस्टली भी होते हैं, तो इकोनॉमिकली उतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं ये सभी के लिए। तो जो जो तो इनको अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपने इंस्टीट्यूशन में इनको इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं ना उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें, क्योंकि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बाद अगर हम एडवांटेजेस की बात करें सीसीटीवी की, तो बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं। एक तो आप एक जगह पे बैठकर, मतलब मैं एक क्लास में रहकर जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकती हूँ बैठ के। दूसरा, मैं कोई भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो अपनी खुद की ज़रूरतों के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से जो है वो टेलीवाइज्ड जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो प्रोवाइड करवा सकता है बच्चों को। और क्या हो सकता है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो वो तो आपको पता ही है कि सीसीटीवी जो है वो आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आज के डेट में मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो इसीलिए ही होता है स्कूल्स और कॉलेजेस में, ताकि ओवरऑल सिक्योरिटी जो है उस पर्टिकुलर प्रिमाइस में बनी रहे, उसके लिए जो है सीसीटीवीज को यूज़ किया जाता है। प्लस स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ क्या है, कोई बच्चा जो है अननेसेसरी क्लास के थ्रू बंकिंग तो बंक तो नहीं कर रहा है, ऐसे फालतू में रूम तो नहीं कर रहा है इधर उधर, स्टाफ है टीचर जो है वो टाइमली क्लास में जा रहा है या नहीं जा रहा है, कोई विजिटर है जो कि अननोन है कोई और सस्पिशियस है, तो उसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो, तो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी को आप जो है वो उससे पता लगा सकते हो।
ठीक है, तो सीसीटीवी कैमरा का इस तरह से सिक्योरिटी पर्पजेज में काफी ज्यादा यूज होता है, प्लस एंटी सोशल बिहेवियर जो है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। एंटी सोशल बिहेवियर हो गया, अगर स्कूल में कोई टीचर है वो कोई आपका अल्कोहल यूज कर रहा है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, बच्चे कुछ इस तरह की नॉन एंटी सोशल जो चीजें हैं वो कर रहे हैं, रैगिंग हो रही है, तो आप इन तरह की चीज़ों को भी क्या कर सकते हो, इससे देख सकते हो, इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो। जो पुराने किसी पुराने जो सीसीटीवी सिस्टम्स थे ना वो बहुत ही छोटे और बहुत पुअर रेजोल्यूशन के होते थे, मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट ही वो जो थे वो इमेज शो करते थे, कोई इंटरेक्टिव कैपेबिलिटीज नहीं थी। लेकिन जो अब मॉडर्न सीसीटीवी जो आ रहे हैं वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन के होते हैं, कलरफुल इमेजेस आपको देते हैं, प्लस उसमें जूम इन जूम आउट करना, ऑडियो की ट्रैक करना किसी भी चीज़ को, स्पीडोमीटर्स होते हैं इतने सारे लगे हुए हैं जगह जगह पे, वो भी क्या है एक तरह के सारे इसी की क्या एडवांसमेंट्स हैं। तो बहुत जगह पे जो है वो ये मल्टीपल पर्पजेज़ के लिए अब इनका यूज़ होने लगा है। पहले तो ये बहुत सिंपल से होते थे, पुअर रेजोल्यूशन होता था, ठीक है, और प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती थी इनकी, ऑडियो का तो कोई सवाल ही नहीं होता था। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल एडवांस लेवल पे जो है सीसीटीवीज बन रहे हैं, मल्टीपल पर्पजेज़ के लिए बन रहे हैं। अब एक पर्सन जो है वो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी आ चुकी है या इतनी फ्रीडम आ चुकी है कि वो सीसीटीवी का यूज़ करके जो है एक डिजायर्ड एरिया में जो है वो बात भी कर सकता है, मतलब बोल भी, ये नहीं कि यहाँ बैठ के वो कहीं दूसरे कोने में जाके बोल रहा है बहुत दूर, इतना तो नहीं होगा, पर एक डिजायर्ड एरिया जो रेंज है उसके अंदर पर्सन जो है वो सीसीटीवी कैमरा की मदद से जो है वो बोल भी सकता है लोगों तक, स्पीकर का काम भी कर रहा है सीसीटीवी कैमरा अगर मैं कहूँ तो। अब हम डिफरेंट टाइप्स के सीसीटीवी कैमरास देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट है बुलेट कैमरा, सेकंड है डोम कैमरास, थर्ड है आईपी कैमरास, फोर्थ है पीटीजेड कैमरास। तो एक एक करके इनको हम देख लेते हैं कि इनका क्या काम है। सबसे पहले बुलेट कैमरा की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कोई सीसीटीवी कैमरा है तो वो बुलेट कैमरा है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसी की वजह से इसका नाम भी बुलेट पड़ा हुआ है, जो कि इसको औरों से अलग करता है। इसकी जो अपीयरेंस होती है ना एकदम से रिकॉग्नाइजेबल होती है, मतलब कि कोई भी पर्सन बाहर से आएगा ना उसे एकदम से नज़र पड़ जाएगी और वो पहचान लेगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो वो एक तरह से जो भी अनऑथराइज्ड विजिटर्स है ना उनके लिए एक बैरियर है, जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं इंट्रूडर्स हैं ना उनको जैसे ही वो देखते हैं ना इन कैमरास को तो वो एकदम से वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वो एकदम से उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कैमरा को कि यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे कैमरा लगे हैं, तो वो जो है वो जो भी वो मिसचीफ करने वाले होते हैं ना वो नहीं करते हैं। फिर दूसरे आते हैं डोम कैमरास। डोम कैमरास जो होते हैं, अगर बुलेट कैमरा के बाद अगर कोई कैमरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सीसीटीवी टीवी में तो वो आपके डोम कैमरास होते हैं। ये भी डोम शेप के होते हैं आपके कैमरास, और इसमें भी ऐसा ही होता है कि जैसे बुलेट कैमरास जितने इजीली लोगों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना इनको भी कर पाते हैं, पर ये उतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते, एक बारी में आपको दिखेंगे नहीं है इतने क्लियरली जितना आपको बुलेट कैमरास जो है वो दिख जाएंगे। ये हम ज़्यादातर सीलिंग्स में इंस्टॉल करते हैं, तो इसलिए इंटीरियर मतलब घर के अंदर हम ज़्यादातर इस तरह के कैमरा जो डोम शेप कैमराज होते हैं इनको यूज़ करते हैं। हम इनको वॉल्स पे भी माउंट कर सकते हैं अगर हमें कभी इसकी ज़रूरत ऐसी महसूस होती है तो। फिर आते हैं आईपी कैमरास। तो ये आईपी कैमरा जो है वाईफाई नेटवर्क से लिंक्ड होते हैं, ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप घर पे नहीं भी हैं तो आप अपने फ़ोन पे जो है वो आप घर का पूरा फुटेज देख सकते हो, जिस भी आप लोकेशन से जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से ये वाईफाई के नेटवर्क पे बेस्ड होता है, और पर ये नहीं है कि वाईफाई पे है तो इसमें कोई वायर्स नहीं होंगी या ये वायरलेस कैमराज होंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये वाईफाई नेटवर्क पे चल रहे हैं तो शायद इसमें केबल इंस्टॉलेशन जो है वो नहीं करनी पड़ती, जबकि ऐसा नहीं होता है। वायर्स तो इसमें भी चाहिए ही होती है, मतलब केबल कनेक्शन तो इन सब में ही चाहिए होता है। उसके बाद है पीटीजेड कैमरा, दैट इज योर पैन टिल्ट जूम कैमरा। इस तरह का कैमरा जो होता है वो वास्ट एरिया को मॉनिटर, मतलब बहुत बड़े एरिया को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि ये नो टिल्ट से लेकर 360 डिग्री तक का रोटेशन कर सकता है, 180 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, मतलब कि ये हर डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकता है। तो इसी रोटेशन की वजह से कोई भी मेरे को पर्टिकुलर पोजीशन मतलब देखनी है कि मुझे राइट साइड को देखना है तो ज़रूरी नहीं, अगर जो आपके और कैमराज होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, जो आपके डोम शेप हो गए या आपके जो बुलेट कैमराज है अगर वो लेफ्ट साइड को तो वो एक पर्टिकुलर साइड का एरिया कवर करेंगे, लेकिन जो आपके ये पीटीजेड कैमरा होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके 360 डिग्री रोटेट करते रहते हैं। अगर मुझे लेफ्ट करना है तो ये लेफ्ट को मूव हो जाएंगे, अगर मुझे स्ट्रेट देखना है स्ट्रेट हो जाएंगे, अगर मुझे राइट देखना है तो राइट हो जाएंगे। मुझे किसी चीज़ को जूम करके देखना है तो ये भी इनके पास में पावर होती है कि ये किसी भी चीज़ को जूम इन और जूम आउट करके भी दिखा सकते हैं। ये बाकी कैमराज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि आपको जहाँ मल्टीपल कैमरा यूज़ करने हैं उसकी जगह पे आप एक अकेला पीटीजेड कैमरा यूज़ कर लो, वो आपका हर तरफ जो है वो यूज़ हो जाएगा। अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो बिग बॉस में जो कैमराज यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ योर पीटीजेड कैमराज, तो वो आपका जहाँ पे भी उनको लगता है ना कि इधर को उनको कोई बात करा तो वो उधर को मूव हो जाएंगे, अगर कहीं सामने करा तो वो सामने, तो वो जो है सिचुएशन के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्या करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं। अब आते हैं कि कैसे हम एक सुटेबल कैमरा को चूज़ करें कि हमें कौन सा कैमरा जो है वो यूज़ करना चाहिए, हम किस पे डिपेंड करता है। तो एरिया सुटेबल वेयर इट इज़ नीडेड, कि किस तरह का एरिया है मुझे उसके हिसाब से देखना है, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो इस यहाँ पे किस तरह का कैमरा जो है वो चलेगा, रोड पे लगाना है तो रोड पे किस तरह का चाहिए, घर पे लगाना है तो घर पे किस तरह का चाहिए, तो इसके हिसाब से जो है हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा कैमरा को रखना है। प्लस क्वालिटी एंड शार्पनेस ऑफ इमेज,
कई जगह ऐसी जहाँ पे हमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है कि हमें एक एक चीज दिखनी चाहिए, जैसे आपके जो रोड पे कैमराज लगे होते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है, व्हीकल का नंबर ट्रैक करना होता है, तो वहाँ पे ऐसा कैमरा तो नहीं लगाएंगे जहाँ पे उनको क्लियरली जो है वो नंबर भी ना दिखे, तो वहाँ पे कैसा चलेगा, हाई शार्पनेस और हाई क्वालिटी वाला कैमरा चलेगा। बाकी जगह ऐसी है जहाँ पे ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, तो आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो किसी और कैमरा के साथ। तो क्वालिटी और शार्पनेस ऑफ इमेज आपको कैसी चाहिए उसके बेस पर भी आप सीसीटीवी कैमरा को चूज कर सकते हो। और आप कैमरा लगा कर रहे हो, अंदर लगा रहे हो या बाहर लगा रहे हो, अंदर लगा रहे हो तो आप प्रेफर करोगे कि मैं डोम शेप लगा लेता हूँ, अगर बाहर लगा रहे हो तो मैं बुलेट लगा लेता हूँ, तो इस हिसाब से आप कहाँ पे उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हो उसके हिसाब से भी आप जो है कैमरा चूज कर सकते हो। तो कैमरा का, सीसीटीवी कैमरा का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्राइम को रोकने के लिए, एविडेंसेज इकट्ठे करने के लिए, कोई भी प्राइवेट एरिया है, कॉन्फिडेंशियल एरिया है उसको मॉनिटर करने के लिए, कहीं मतलब कोई ऐसी जैसे आपकी जो गोल्ड की ज्वेलरी शॉप्स होती है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इतनी कॉस्टली चीज़ें रखी हुई हैं, तो अगर कैमराज नहीं होगा तो कोई भी बंदा तो कहीं से भी कोई चीज़ उठा के चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जगहों को मॉनिटर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, प्लस कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को कन्फर्म करने के लिए। कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स क्या करते हैं कि फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो शॉपकीपर जो है वो यूज़ कर सकता है सीसीटीवी कैमरास का। अब कल कंक्लूजन की बात करें तो टुडेज वर्ल्ड सिनेरियो आपको पता है सीसीटीवी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक सिंगल पर्सन या अथॉरिटी जो है हर तरह की प्राइवेसी की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, मतलब वो नहीं कर सकती इतनी चीज़ों को प्राइवेसी प्रोवाइड। तो ऐसे केसेस में सीसीटीवी जो है उनका काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट है, काफ़ी ह्यूज यूज़ है, क्योंकि जो पर्सन उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता वो सीसीटीवी कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर सीसीटीवी कैमरास, जितना इसमें हो सकता है मैंने आपका इंक्लूड कर दिया। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।